हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है मटेरियल साइंस। धातु, वे तत्व जिनमें धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, ऊष्मा चालकता तथा आदि भौतिक गुण मौजूद होते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, धातु क्या होती है? जिनमें विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण मौजूद हों धातुएं कहलाती है। ठीक है, धातुओं के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? ये सामान्य ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन इनमें एक अपवाद है, पारा भी एक धातु होता है, लेकिन वह क्या होता है? द्रव होता है। ठीक है, याद रखना, पारा द्रव धातु होता है लेकिन द्रव रूप में होता है, इसलिए पारा धातु का अपवाद है, ठोस होने का अपवाद है। ठीक है, दूसरा अपारदर्शक होते हैं। तीसरा, धातु में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, मतलब धातु में विद्युत और ऊष्मा का सुचालन अच्छे से हो सकता है। ठीक है, धातु में गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर सिकुड़ती है। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मतलब धातुओं के गुण, क्या क्या गुण होते हैं? भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। ठीक है, अब भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं? धातुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले गुण को हम भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, क्या क्या गुण पाए जाते हैं? जैसे रंग है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना, उसकी भार, गलनीयता, चालकता, चुंबकत्व, ये सब क्या है? उनके भौतिक गुण है। अब यांत्रिक गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टी, धातुओं के भौतिक गुण को यदि अन्य और प्रकार से गुणों में बदला जाए तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम धातुओं का यांत्रिक गुण कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं यांत्रिक गुण में? सामर्थ्य या स्ट्रेंथ, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु अपनी आकृति तथा अवस्था में परिवर्तन लाए बिना बाह्य बल को सहन करती है, ये क्या कहलाता है? उसका सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी धातु को किसी दूसरे धातु से ठोक करें तो उसमें बिना परिवर्तन आए, अवस्था में बिना परिवर्तन होए, वह उस भार को सहन कर लेता है। मतलब जो वस्तु जितना ज़्यादा भार को सहन करेगी वह उतना ही ज़्यादा सामर्थ्यवान होती है। ठीक है, दूसरा प्रत्यास्थ या इलास्टिसिटी। ठीक है, किसी धातु को निश्चित सीमा तक बल लगाकर खींचा जाए और उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल हटाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है, यह गुण क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ गुण। एग्जाम्पल के लिए आप रबर को ले लो, रबर को जब हम खींचते हैं तो वो फैल जाता है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं रबर अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है। ठीक है, दूसरा प्लास्टिसिटी, धातुओं का वह गुण जिस पर हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा बल लगाते हैं। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक बल लगाने पर क्या होता है? वह वापस आ जाता है, लेकिन इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा बल लगाने पर धातु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता, वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, ये क्या कहलाती है? उसका यही गुण प्लास्टिक गुण कहलाता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी। ठीक, तीसरा तन्यता, तन्यता क्या होता है? धातुओं का वह गुण जिसके फलत स्वरूप इसे खींच कर लंबा किया जाता है तथा लंबाई में बल लगाने पर धातु बिना टूटे हुए लंबी लंबी हो जाती है। ठीक है, इस गुण के कारण ही धातुओं में तार बनाए जाते हैं। ठीक, तन्यता के कारण ही धातुओं का जो तार बनता है ना, वो तन्यता के कारण होता है। क्या होता है? जब इसको हम खींचते हैं तो ये बिना टूटे या बिना उसमें क्रैक हुए ये फैलते जाता है। ठीक है, जिस धातु का लचीलापन सबसे अधिक होगा वह तन्य अधिक होगा। ठीक है, भंगुरता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु पर हल्की चोट लगाने से वह टूट जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कच्चा लोहा, कच्चा लोहा को अगर हम किसी हैमर से ठोके, ठीक है, तो वह चटक जाता है। ठीक, अगला है आघात वर्धनीयता, धातु का वह गुण जिसके फलतः धातु को ठंडी अवस्था में पीट पीट कर या रोलिंग करके धातु के चादर बनाई जा सकती है, परंतु धातु के कण टूटकर अलग नहीं होते या मैलेबल कहलाते हैं। ठीक है, धातुओं के जिस गुण के कारण धातुओं का चादर बनाया जाता है वह मैलेबल होता है। ठीक है, अब टफनेस या चीमड़पन, इस गुण के फलस्वरूप धातुओं को मोड़ने या ऐंठने पर आकृति ग्रहण कर लेती है, यह चीमड़पन कहलाती है। जैसे किसी भी धातु में हम ट्विस्ट या है ना रोटेशन वाला बल लगाएं तो वह मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। ठीक है, तो ये उसका कौन सा गुण कहलाता है? टफनेस। अब कठोरता, कठोरता नॉर्मली समझ सकते हैं। ठीक है, कि जो ज़्यादा हार्ड होगी, ठीक है, उसका कठोरपन ज़्यादा होगा। धातु के इस गुण के कारण यह सरलता से घिसती, कटती या मुड़ती नहीं है। ठीक है, अब कठोरता कैसे परीक्षण करेंगे हम? एक कठोर धातु को दूसरे कठोर धातु से हम स्क्रैच करते हैं, क्या करते हैं? स्क्रैच या घिसना। ठीक है, तो वह उस स्क्रैचिंग का विरोध करता है, यह क्या कहलाता है? उसका कठोरता कहलाती है। ठीक है, अब धातुओं का वर्गीकरण कैसे होता है?
दो भागों में किया गया है, लौह धातु और अलौह धातु। जिन धातुओं का मुख्य अंश लोहा होता है उन्हें लौह धातु कहते हैं, जैसे कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात आदि। अब अलौह धातु, जिनमें लोहे की मात्रा नगण्य होती है, जिसका मुख्य अंश अन्य धातु होता है, अलौह धातुएं कहलाती है, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, सिंक, है ना, जिंक, सीसा, निकिल, क्रोमियम आदि। अधातुएं, वे धातुएं जिनकी सतह चमकहीन होती है, ठीक है, चमकहीन होती है, भंगुर, विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, धातु अधातुओं के गुणधर्म क्या क्या गुणधर्म होते हैं, कमरे के तापमान पर अधातु ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातुएं अतन्य होती है, ठीक है, इसमें टेंसाइल मतलब इसका तन्यता गुण नहीं होता। ठीक है, ठोस अधातुएं भी भंगुर तथा चमकहीन होती है। ठीक है, अधातुओं का घनत्व कम होता है, अधातुओं के क्वथनांक तथा गलनांक कम होते हैं। ठीक है, थैंक यू।